So can anyone tell me what is a sequence? सर रियल एनालिसिस, सर रियल एनालिसिस में जो सीक्वेंस होती है सर, एक फंक्शन होती है जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है और रेंज कोई भी सेट हो सकता है। रेंज आप रियल में जब बात करें तो रियल नंबर्स हो, ठीक है। अब यहाँ पर ओके सर। भी वही डेफिनेशन है, अगर एक्स कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसमें जो एक सीक्वेंस है वो एक फंक्शन होता है जिसका जो डोमेन है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स भी आप कह सकते हैं टू एक्स होता है, ठीक है। तो दिस इज अ सीक्वेंस, यू नो द डेफिनेशन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सीक्वेंसेस वी आर इंटरेस्टेड इन इट्स कन्वर्जन, वेदर ए सीक्वेंस कन्वर्ज और नॉट। ओके, लेट अस सी कन्वर्ज, सो डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो मैं एफ से एन को मैं ए एन से डिनोट करता हूँ या एक्स एन से डिनोट करता है, वेर एक्स एन बिलोंग्स टू, सो वी समटाइम्स राइट अ सीक्वेंस लाइक एक्स एन वेर एन इज ए पॉजिटिव। तो एक्स एन इज द वैल्यू ऑफ एफ एट एन, ओके, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द इंटीजर एन। सो दिस इज एक्स एन, वी कॉल इट एनथ एंट्री ऑफ द सीक्वेंस और एनथ एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। ओके, तो कैन एनीवन रिकॉल व्हाट इज द व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस? कोई सर बता सकता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन? हाँ, सर इस एक्स एक एक पहला एक काम कर देंगे आप लोग मेरे लिए, तो क्लियर, वेट अ मिनट। आप लोगों में से अनुराग के पास है, बाकी सबके पास ये जो लिंक है, इस लिंक को आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो दोबारा से? कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि उनका लिंक नहीं है। अनुराग, क्या आप ये कर सकते हैं मेरे लिए प्लीज? यस सर, रुकिए। यस हाँ, सर, ये आप कर, हाँ इसको कर दीजिए, तब तक हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और जब कर दें तो आप बोलिए ओके हो गया है, कर दिया क्या? ओके, थैंक यू। यही वाला लिंक है जिससे हम ज्वाइन हुए ना, ये सेम लिंक है? सर लिंक सेम है, बट एक रिक्वेस्ट थी कि आप इसको क्या कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन में इंसर्ट करा दीजिए आप। अच्छा, इसको तो कोई भी डिस्क्रिप्शन में डाल सकता है आप में से कोई भी, ये नहीं, शायद वो क्या कहते हैं होस्ट के पास ही पावर है ना, मतलब कि एडमिन। अच्छा ऐसा है क्या? ओके, मैं वो कर दूंगा, ठीक है। ओके डन, वो पहला वाला लिंक काम नहीं कर रहा शायद ना। ओके, तो कोई रिकॉल कर सकते हैं कि मीट्रिक स्पेस में या फिर रियल एनालिसिस में जहां पर भी आप काम करते थे, कन्वर्जेंस ऑफ अ सीक्वेंस को याद कर सकते, याद करके बता सकते हैं मुझे? सर कोई भी सीक्वेंस से एक हाँ रियल नंबर, किसी रियल नंबर एक्स को या फिर एन को हाँ कन्वर्ज करेगी, अगर हर ओके, एक पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हम एक ओपन इंटरवल जो एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन बन रहा है, ये इसके अंदर सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स हों, और इसके बाहर अगर कोई अच्छा, टर्म है तो फिर वो फाइनाइटली होना चाहिए। तो आपने बहुत सही से है, लेकिन हल्का सा कुछ चेंज करते हैं इसको, ठीक है। आपने अच्छा बताया, आपने कहा कि फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट, क्या बताया आपने, देयर एग्जिस्ट सम एन ओपन इंटर, यस सर, इन, हाँ उसको मैं लिखता हूँ, सच दैट आपने कहा एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, ओके, इस इंटरवल में एक्स एन बिलोंग्स टू एन, आपने कहा इनफाइनाइटली मैनी होने चाहिए, उसकी जगह हम लिख देते हैं फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी ठीक है?
आपने मुझे बोला यस सर, था कि इस इंटरवल में इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं हो पाता बहुत बार। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक दिस दिस सीक्वेंस, सर मेरे सो दिस इज नथिंग बट सर माइनस वन वन माइनस वन वन, ठीक है। तो अगर सर मैं हमारे कहने का वन ले मतलब लेता था, हूँ ऑल, हेलो आपके कहने का मतलब था ऑल ना, ऑल बट फाइनाइटली मेनी, सर, इंटरवल क्या के ये? बाहर अगर एलिमेंट हो तो वो फाइनाइटली होने चाहिए सर, बाहर के लिए रिस्ट्रिक्शन हाँ है, अंदर के लिए नहीं। अंदर के लिए इनफाइनाइटली मेनी मत कहिए, अंदर के लिए कहिए कि सारे के सारे एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी, यस सर, ठीक। हाँ, एक समय के बाद सारे जो उसके अंदर होने चाहिए, अदरवाइज आप इनफाइनाइट कहेंगे तो आपको ऐसी सीक्वेंस मिलेगी जहां पर ये वन माइनस एप्सिलॉन वन प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को आप हाफ ले लो या फिर कोई भी एप्सिलॉन ले लोगे बहुत छोटा सा, तो इसके अंदर आपको इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट मिलेंगे बट सारे नहीं मिलेंगे। इनफाइनाइटली मीन वन 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 वाले तो सब मिलेंगे लेकिन माइनस वन वाले नहीं होंगे, तो वो थोड़ा सा उसमें आपको ध्यान देना है कि आप क्या लिख रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ओके यही सर, सेम डेफिनेशन, ये जो आपने डेफिनेशन हमें बताई, ओके, इफ दिस हैपेंस देन वी से एक्स एन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इफ दिस हैपेंस देन वी से दिस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड वी राइट लिमिट एक्स एन एज एन गोज टू इंफिनिटी इज एल, ओके। अब किसी को टोपोलॉजिकल स्पेस में कन्वर्ट होता है, ये जो आपने बोला फॉर ऑल एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन से कनेक्टेड है क्या? ये ओपन इंटरवल एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, तो आपको अब याद आ रहा होगा कि ये जो है ये ओपन इंटरवल एल का एक नेबरहुड है, ठीक है, यस सर, स्मॉल एल का एक नेबरहुड है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सारे नेबरहुड के लिए फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, तो इसका मतलब एल के सभी नेबरहुड की हम बात कर रहे हैं, तो टोपोलॉजिकल स्पेस में वो नेबरहुड कह सकते हैं या फिर उसको ओपन सेट कह सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम कह यस रहे सर, हैं कि सारे ओपन सेट उस पॉइंट, सो एल के, एल को कंटेन करने वाले सारे ओपन सेट जो है वो सभी के सभी एक्स एन को कंटेन करेगा एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी, इसका मतलब उसका जो टेल है एक समय के बाद वो पूरा का पूरा टेल, टेल मेरा कहने का मतलब है कि जब मैं सीक्वेंस बनाऊंगा तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एंड सो ऑन, तो इसका मतलब एक समय के बाद मान लो इस नंबर के बाद सारे के सारे हो, इस पूरे पार्ट को मैं टेल कह रहा हूँ, ठीक है, ओके। और हो सकता है वो टेल मेरी एक्स वन लैग से शुरू हो, इसके बाद के सारे एलिमेंट जो है सीक्वेंस के वो कहाँ पर हो? नेबरहुड के अंदर, तो इसको हम लिखते हैं, ओके, सीक्वेंस एन इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेड टू कन्वर्ज टू ए पॉइंट से वाई इन एक्स इफ, ओके। अब हमने वहां पर इफ फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव कहा था, फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, हम यहाँ पर उसको चेंज कर रहे हैं इफ फॉर ईच नेबरहुड, ओके, फॉर एवरी या फॉर ऑल नेबरहुड, और समटाइम वी कॉल ऑल ओपन सेट्स, ओके, ओपन सेट कंटेनिंग वाई, या हम ओपन सेट कंटेनिंग वाई के हैं या फॉर एवरी नेबरहुड ऑफ वाई, दोनों बात सेम, दोनों के लिए सेम होगा। हियर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, तो ये जैसे सेम ऊपर हो रहा था ध्यान दीजिए, फॉर ऑल एप्सिलॉन हियर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ओके, पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट फॉर ऑल एन इन एन व्हाट वी हैव इज एक्स एन बिलोंग्स टू, सो कॉल दिस ओपन नेबरहुड यू,
ओपन सेट को भी आप यू कह सकते हैं एक्स एन. सो इन इन वर्ड्स वी कैन से एवरी नेबरहुड ऑफ वाई कंटेन्स ऑल एक्स एन एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी. ओके सो लेट अस सी सम एग्जांपल्स. अभी आपको थोड़ा सा वियर्ड से एग्जांपल, आपको बहुत सारे वियर्ड एग्जांपल मिलेंगे. तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं यूजुअल टोपोलॉजी से, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत पहले से पढ़ते हुए आए. तो लेट अस टेक अ सीक्वेंस वन बाय एन. ओके सो एंड लेट अस consider this sequence in usual topology, R with the usual topology. Okay? Usual topology. So, you know this part, that in usual topology, this sequence converges to zero. 1 by n converges to zero in usual topology. Okay? In this case, what you have is this. Why? Because take any neighborhood of zero or any open set containing zero, it will of this form, zero minus epsilon, zero plus epsilon in usual topology, any neighborhood of zero is of this form. Okay. And you know by Archimedean property that for every positive real number, there exists an n which is a positive integer such that 1 by n is less than epsilon. This is true for all positive. So this n depends on epsilon. Okay, this n depends on epsilon. Okay, so here what should I write? This is the Archimedean property. Median property of real number. Okay, so using this property, Archimedean property, you would say that for the epsilon positive, there exists some n depending on this epsilon, which is the positive integer such that all 1 by n is in minus epsilon comma epsilon for all n greater than equal to n. Okay, so therefore 1 by n goes to 0. So you have already seen this example, this particular example, you all know this example. So let us see another example. Not another example, this same example with another topology, okay? With, say, okay, so R mein aur kaun si topology aapne padhi? So topology with R with topology generated by semi-open set, semi-open intervals of the form a comma b is formed. Okay, here a is less than b and a and b are real numbers. So whether this sequence 1 by n converges to 0 or not, in this case let us say this. Okay, so every open set, okay, or every basic open set, every basic open set in this topology R, so we call this Schrödinger-Frey line, okay, R, so this is Schrödinger-Frey line, call it tau S. With semi-open interval, okay. In this topology, R of the form. Let me write. Open set containing zero. Open set containing
जीरो आर इधर ऑफ फॉर्म से माइनस एप्सिलॉन कॉमा से सम एप्सिलॉन और जीरो कॉमा ओके ऑफ दिस फॉर्म वेयर एप्सिलॉन इज पॉजिटिव वेयर एप्सिलॉन इज पॉजिटिव. So this is the form of any open set containing zero. You know these. So if you say these things, so it is easy to see that any interval which contains zero, okay, any semi-open interval which contains zero will contain 1 by n after a certain time. Okay, so it may be epsilon 1 you can take for all n greater than equal to some, it depends on epsilon 1. Okay, similarly 1 by n belongs to 0 comma epsilon for all n greater than equal to n depend on epsilon. So this is true. This part is true via the Archimedean property that we stated here at this place. Okay. So R with the topology generated by semi-open intervals. In this case, the sequence 1 by n is a convergent sequence. Okay. Next thing. Let us see another topology R. Okay, R with, so please tell me some topology, any topology. आपने तो बहुत topology पढ़ी हुई है ना अभी R में, तो कोई एक topology बताइए. Hello, क्या आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अनुराग, यस सर. प्रतिभा रजावत, हाँ, कोई टोपोलॉजी बताइए, देखते फिर काम करते उसके ऊपर. लोअर लिमिट टोपोलॉजी दे दीजिए. लोअर लिमिट तो सर यह चाहिए. ये तो लोअर लिमिट है ना जो ऊपर बात कर रही है. ये तो लोअर लिमिट. हाँ, आर विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी देख लेते हैं. ओके, R with discrete topology. Is it correct? देखें इसमें. So what you say? इस topology में क्या 1 by n convergent होगा? What is your take on this? हेलो, अरे कोई तो बोलिए, कुछ सोचिए. मान लीजिए कि कन्वर्ज करता है तो वो किस पॉइंट को कन्वर्ज कर सकता है? क्या आप सबको डिस्क्रीट टोपोलॉजी के बारे में मालूम है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है? हेलो सर, ये क्वेश्चन क्या क्या था? आपका नाम क्या है? सर प्रिया. आपका नाम प्रिया. हाँ, आज डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होता है सर? इसमें आर के सर ऑल पॉसिबल सबसेट्स का कलेक्शन होगा. अच्छा, ठीक है, वो ओपन सेट्स होंगे. ठीक है, यस सर.
मान लेते हैं कि वन, देखो एक काम करते पहले, ये जो वन बाई एन है ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं वन, वन बाई टू, वन बाई थ्री, वन बाई फोर एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट इसका डिफरेंट है पहले से, ठीक है। वन बाई एन इज नॉट इक्वल टू वन बाई एम फॉर एन नॉट इक्वल टू एम। तो एक बात है कि दे डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अब मानते हैं कि ये वन बाई एन, एज्यूम कर लो कि किसी एक रियल नंबर को कन्वर्ट करता है, एज्यूम वन बाई एन कन्वर्जेस टू सम रियल नंबर, ओके से एक्स, अच्छा ठीक है। अब एक्स को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल कह रहा हूं, ओपन सेट, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में एक्स को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट एक्स होता है, खुद खुद होता नहीं होता, इज इट ट्रू और नॉट? यस सर। आर विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी दिस सिंगलटन सेट which contains x is an open set, then अब मुझे कोई बता सकता है, अब उसके बाद बता सकता है कि ये 1 by n x को कन्वर्ट करेगा या नहीं करेगा? आपके पास एक ओपन सेट दिखाई दे रहा है, अब आपको थोड़ा सा आर्गुमेंट देना है कि वो कन्वर्ट करेगा या नहीं करेगा। प्रिया भारती? यस सर, कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करेगा, हाँ अच्छा चलो देखते हैं, कन्वर्ज करेगा तो उसके डेफिनेशन के लिए, कन्वर्ज करने की डेफिनेशन क्या है? कि हर एक ओपन सेट क्या करना चाहिए, थोड़ा सा सोचिए। हाँ हमने माना कि ये x को कन्वर्ज कर रहा है, तो x का हर एक ओपन सेट, आपने ही बताया था ना डेफिनेशन, सर हर एक ओपन सेट सर एक फिक्स्ड नंबर के बाद सर वो जो सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी मेंबर्स होंगे वो सर फिर से आप सेट्स में देखिए, आप मैंने तब भी आपको बताया था कि आप इनफाइनाइटली मेनी मत कहिए, आप कहिए ऑल एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी, दोनों में अंतर है। देखिए आप जो कह रही है ना, आप मेरे को लगता है आप सही सोच रही है लेकिन गलत कह रही है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, ये इसलिए गलत है क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी कहना और ऑल बट फाइनाइटली मेनी कहना दोनों में अंतर है। अब मैं कैसे अंतर ये देखते हैं, ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तरीके से समझाया था, जब जहां पर मैंने माइनस वन वन माइनस वन वन लिया था, इनफाइनाइटली मैनी कहना और ऑल कहना अंतर देखा था आपने, इनफाइनाइटली मैनी में मैंने वन 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 ये सब इनफाइनाइटली मैनी होंगे, लेकिन ऑल कहूंगा तो मेरे को वन माइनस वन वन माइनस वन ये सब साथ में लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है सर। तो आप इनफाइनाइटली मैनी मत कहिए, आप कहिए फॉर ऑल बट फाइनाइटली मेनी और एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी, और आप या ये कहिए कि एक समय के बाद सारे के सारे उस ओपन सेट में होंगे, ठीक है। दोनों में yes, अंतर समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर। हाँ अदरवाइज वो दिक्कत करेगा क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी अगर हम डेफिनेशन रखेंगे तो उससे तो ये माइनस वन वन वाला जो है ये वन को भी कन्वर्ट करता है और माइनस वन को भी कन्वर्ट करता है, अगर आप आपकी डेफिनेशन ठीक माने तो, ठीक है। तो इसीलिए मैथमेटिक्स में आपको ये जो क्वांटिफायर्स हैं इनका यूज करना, अच्छे से यूज करना मालूम होना चाहिए, ठीक ठीक है। अब बताइए करेगा या नहीं करेगा एक्स को कन्वर्ट?
अच्छा एक्स में कितने पॉइंट है, एक्स इस ओपन सेट में कितने कितने एलिमेंट हैं? सर अभी तो एक ही। एक ही है। आपके मुताबिक अगर वो कन्वर्ज करेगा तो सीक्वेंस के सारे एलिमेंट एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी उसके अंदर होने चाहिए, और आपने कहा कि सीक्वेंस में सब कैसे हैं, डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। सीक्वेंस में सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमने यहाँ पर लिखा है, तो इसका मतलब अगर ये कन्वर्ज करता है तो एक समय के बाद सारे के सारे एक्स हो जाएंगे, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, यस क्योंकि दो, अगर आप एन चेंज करती हैं तो आपको दो डिस्टिंक्ट नंबर मिले, है कि नहीं? यस सर आपको समझ में आई ये बात? जी सर। आप रिपीट कर सकती हैं जो मैंने बोला? सर आप ये बोल रहे हैं कि इसमें अगर हम ये हमने बोला कि ये जो 1/n है एक्स को कन्वर्ज करेगा, तो इसका मतलब है कि एक समय के बाद इसके मतलब ऑल मेंबर्स एक्स में जाने चाहिए इस सीक्वेंस में। तो ऑल मेंबर्स एक्सेप्ट यहाँ पर फाइनाइटली में। हाँ हाँ, तो लेकिन यहाँ पर हम 1/n सीक्वेंस में देख रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल नहीं। अगर इसमें जाएगा तो इसका मतलब है कि एक स्टेज के बाद ये सब इक्वल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखें हाँ एन अगर मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है तो इसमें जा ही नहीं पाएंगे, तो इस वजह इसमें से ये नहीं जा कन्वर्ज पाएंगे नहीं तो, होता है। और क्योंकि ये हमने कोई भी आर्बिट्रेरीली चूज किया था रियल नंबर, देख रहे हैं, हमने ये एक्स जो है आर्बिट्रेरी कोई भी चूज किया है, और हम उस आर्बिट्रेरी के लिए काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 1/n डज नॉट कन्वर्ट इन आर विथ डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ठीक है? यस सर इज दिस करेक्ट? ये ठीक है या नहीं है? यस सर अच्छा, अभी इसी डिस्क्रीट टोपोलॉजी में जाने से पहले डिस्क्रीट टोपोलॉजी को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अब आप इसका आंसर अभी अभी आपने दे दिया है थोड़ी देर पहले, लेकिन क्वेश्चन ये है, फाइंड ऑल सीक्वेंसेस, ओके, विच आर कन्वर्जेंट इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अभी अभी आपने आंसर दिया है एक बीच में कुछ कह के, तो आप फिर से रिकॉल कीजिए और मुझे बताइए कि कोई सीक्वेंस, वो कौन सी सारी सीक्वेंसेस हैं जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी में कन्वर्ज करेंगी। ये सीक्वेंस तो सर कन्वर्ज नहीं कांस्टेंट करेगी सिंक आपकी। सर कांस्टेंट हाँ, सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंसेस, या फिर या तो कांस्टेंट तो हमेशा करेगी, दूसरा होता है इवेंचुअली सर कांस्टेंट। इवेंचुअली कांस्टेंट इवेंचुअली कांस्टेंट में एक समय के बाद सारे कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है? तो मींस कैसा यस है, सर आपके पास x1, x2, x3, x4, xn, उसके बाद सारे xn होते जा रहे हैं, ठीक है? मीन्स एक्स एन इक्वल टू से ए है, तो ये सब ए हो जाएंगे आपके, ठीक है? तो दिस सीक्वेंसेस आर कॉल्ड इवेंचुअली कांस्टेंट, और सीक्वेंसेस विद कांस्टेंट टेल, सीक्वेंसेस विद कांस्टेंट टेल, ठीक? तो एक समय, तो आपको अब ये मालूम पड़ा कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में कौन सी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, इवेंचुअली कांस्टेंट और कांस्टेंट सीक्वेंस। ओके, अब ये सेम सीक्वेंस जो हमने 1/n देखा था, इसको दूसरी टोपोलॉजी देखते हैं, से इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, ओके, ट्रिवियल टोपोलॉजी, आर विद ट्रिवियल टोपोलॉजी, तो आर आई। ओके, अभी क्या आपका कहना है इस टोपोलॉजी के लिए? हाँ, पाई होगा और सर सिर्फ आर होगा टोपोलॉजी में, तो तो दिस इज दीज आर दी ओपन सेट्स इन दिस टोपोलॉजी। तो ये 1/n जो है, क्या ये जीरो को कन्वर्ज करेगा यहाँ पर?
हेलो, कोई और सर बताइए। सर सरोज प्रिया और बोलिए। निहा, निहारिका, यस सर आप कुछ अपने विचार रखिए इस केस में। सर इन जनरल में अगर लेते हैं तो सर तो कन्वर्ट करेगा, पर सर टोपोलॉजी में मुझे नहीं समझ में आ रहा सर। अगर 1/n r में तो कन्वर्ट करता अगर रियल लाइन में लेते हैं, पर सर टोपोलॉजी के फॉर्म में सर मुझे नहीं समझ में आ रहा निहारिका, उतनी देर से हम लोग अलग अलग, देखो आपने जो रियल एनालिसिस सर। को मेरा पढ़ा था उसको डिस्कनेक्ट हमने, हो रहा हो गया था, आवाज भी नहीं आ रही थी सर, भी कनेक्ट हुआ है 5 मिनट पहले। ओके, कोई और मुझे बताइए। अंकुश है यहाँ? अंकुश, अच्छा। अर्पित, अर्पित अर्पित नहीं है। और दीपक गौतम, दीक्षा अवस्थी, और कौन बताया जाए? तो आप लोग तो बात ही नहीं कर रहे, तो फिर कैसे चलेगा बताइए। प्रतिभा रजावत, प्रतिभा, प्रतिभा रजावत है क्या वहां पर? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सरोज चंद्रा, साक्षी पाल, साक्षी, साक्षी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हम लोग ये साथ साथ कर रहे हैं, मीन्स आपको इसका आंसर आना जरूरी नहीं है, हम लोग साथ साथ करते हैं। आप गेस कीजिए, उसके बाद हम काम करेंगे। बताइए क्या ये कन्वर्ट करेगा, हाँ या ना? सर इन जनरल अगर हम कोई पर्टिकुलर केस लेके चलें तो ये कन्वर्स करेगा। अरे इन जनरल, आप दो चीजें आपने ऐसा बोल दिया कि दोनों अलग अलग। देखो इन जनरल और पर्टिकुलर दोनों अपोजिट होते हैं, ठीक है? तो थोड़ा ओके सा सर ध्यान देखें। पर्टिकुलर का मतलब आप कोई एक एग्जांपल दे रहे हैं, कुछ चीजें फिक्स करके काम कर रहे हैं। इन जनरल का मतलब आप कोई भी आर्बिट्ररी चीज उठा रहे हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो इन जनरल हो गया, ठीक है? तो अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमने यहाँ पर एक सीक्वेंस लिया है, हम पर्टिकुलर चल रहे हैं अभी, ठीक है? हम जनरल में नहीं चले, हम पर्टिकुलर चल रहे हैं। एक सीक्वेंस उठाइए, आपको दिख रही है, हमारे पास सेट आर फिक्स है, हमारे पास एक टोपोलॉजी फिक्स है, हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में काम कर रहे हैं, तो हम पर्टिकुलर केस ले रहे हैं। तो इसको फिर मोर जनरल तब करेंगे जब हम कोई कोई भी आर्बिट्री सीक्वेंस लेंगे, उसके बाद बात करेंगे। पहले हम एक सीक्वेंस के ऊपर बात करते हैं जो कि ये सीक्वेंस है। तो आपने देखा ये सेम सीक्वेंस रियल नंबर में अगर हम टोपोलॉजी चेंज कर रहे हैं तो बिहेवियर चेंज हो रहा है ना? अब हमने एक यस सर टोपोलॉजी और चेंज कर दी है, इसका बिहेवियर अब हम देखना चाह रहे हैं। बताइए। हाँ, सर आई थिंक कन्वर्ज करेगी। अच्छा, कन्वर्ज करेगी, ये बात तो ठीक हो गया, कन्वर्ज करेगी, लेकिन कहाँ कन्वर्ज करेगी, कौन से पॉइंट में कन्वर्ज करेगी? सर रियल नंबर, कौन से रियल नंबर? तो कन्वर्ज करेगी तो किसी रियल नंबर में कन्वर्ज करेगी, है ना? सर, यस सर हाँ, क्या किसी ने कुछ बोला? यस सर किसी रियल बोलो, नंबर पे ही कन्वर्स करें।
हाँ, और वो रियल नंबर क्या होगा? जीरो कन्वर्ट करेगी। जीरो कन्वर्ज करेगी। और किसी में कन्वर्ज कर सकती है? किसी और नंबर, हम मैं कह रहा हूं ये कन्वर्ज करती है 100 में। क्या ऐसा होगा? 1/n कन्वर्जेस टू 100। क्या ये सही होगा? नो सर, चलो देखते हैं क्या ये 100 को कन्वर्ज क्योंकि करती है या नहीं 1/n करती। कभी भी 100 नहीं आएगा। अच्छा, अभी देखते हैं, अभी हम कह नहीं सकते ना। देखो, हमने एक डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा हमें पहले। नहीं आएगा कहने का मतलब नहीं है ना, नहीं आएगा सर। हमने एक डेफिनेशन दी, उस डेफिनेशन के हिसाब से काम करते। ओके, तो मानते हैं कि ये 1/n 100 को कन्वर्ट करती, मान के चल रहे। अभी अभी हम हमें प्रूफ करना है सर। तो इसके लिए मुझे क्या प्रूफ करना होगा साक्षी या प्रिया? प्रिया, यस सर, इसके लिए सर हमें प्रूफ मान लो करना होगा हम, कि 1/n कन्वर्ज करता है या नहीं करता है 100 को। हाँ, तो इसका मतलब कन्वर्ट करता है, तो इसका मतलब क्या है? अरे, बाय डेफिनेशन क्या है उसकी? सर इसके ऑल ओपन सेट्स को कन्वर्ज करेगा। ऑल ओपन सेट कंटेनिंग 100। अच्छा, यही है ना, यस वो सर, 100 को कंटेन करने वाले सारे ओपन सेट कैसे करने, क्या काम करना चाहिए उनको? सीक्वेंस की टेल उस ओपन सेट में होनी चाहिए। ठीक है या नहीं? यस, इज इट करेक्ट और नॉट? या यस सर, ये करेक्ट। ठीक था? अब आप मुझे देख के बताएंगे, आपको ओपन सेट, सारे ओपन सेट मालूम है। अब आप देख के बताएंगे क्या 1/n 100 को कन्वर्ट कर सकता है? आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा, लेकिन आपको अपना करेक्ट आंसर बताना, जो आप सोच रही वो बताना है। ठीक है, आपको लगेगा कि ये नहीं कर रहा, लेकिन ये बाय डेफिनेशन कर रहा है, तो आप बताइए कि कर रहा है। आपको लगता है अगर ये नहीं कर रहा है, तो आप क्लियर बताइए कि नहीं करेगा। ये आप सबके लिए, तो कितने लोग इसमें कह रहे हैं कि ये 1/n 100 को कन्वर्ट करेगा, और कितने कहते हैं कि नहीं करेगा? अनुराग, यस सर, क्या 1/n 100 को कन्वर्ट करेगा इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी में? नहीं करेगा। नहीं करेगा। कारण, आप तो इसके लिए आप मुझे एक ऐसा 100 का एक ऐसा ओपन सेट देना पड़ेगा आपने मुझे, ठीक है, जो कि डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता हो। प्रिया, अभी ठीक है, अभी तक कुछ आया, मीन्स आपने कुछ कंक्लूड किया, करेगा या नहीं करेगा? सर करेगा कि सर अगर ओपन सेट से कोई भी लेते हैं तो सर हाँ, उसमें भाई एन के एक स्टेज के बाद उसकी जो टेल है वो उसमें कंटेन करती है सर। अगर हम करती है। हंड्रेड ऐसा क्यों का क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि ओपन सेट सर, कौन है? 100 का ओपन सेट कौन है? 100 को कंटेन करने वाला कौन सा ओपन सेट है यहाँ पर? इस टोपोलॉजी में 100 को कंटेन करने वाला ओपन सेट कौन सा है? सर अगर हम ओपन इंटरवल 100 - εν कॉमा 100 + अरे, εν लें तो सर, आप प्रिया बोल रही हैं या कौन बोल रहा है? सर प्रिया बोले लेकिन सर समझ में सही हाँ, से नहीं आ रहा है।
अरे आपने तो मेरे को बताया था ना कि इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी में ओपन सेट क्या होते हैं। इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी में ओपन सेट्स क्या हैं बताइए पहले। हाँ सर पाई है और आर है। तो 100 को कंटेन करने वाला ओपन ओपन सेट कौन सा? आर है केवल, और कोई आर नहीं है है। किसी भी पॉइंट को, किसी भी रियल नंबर को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल आर है। इसके अलावा कोई ओपन सेट नहीं है यहाँ पर, कोई भी ओपन सेट नहीं है। इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी में आर और एम्प्टी सेट के अलावा कोई दूसरा ओपन सेट नहीं है। तो 100 या कोई भी रियल नंबर, उसको कंटेन करने वाला ओपन सेट कौन सा है? तो सर इसका अरे मतलब वन बोलो। बाय एन जो इस, हाँ सर आर है। तो सर यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि वन बाय एन जो सीक्वेंस है ये हर एक रियल नंबर को कन्वर्ज करेगी, क्योंकि हर एक सर रियल वो नंबर तो को कन्वर्ट, हाँ, सो 1/n कन्वर्जेस टू एवरी रियल नंबर। ओके, तो इसका मतलब ये 1/n तो बहुत ही अलग सी सीक्वेंस थी। अगर मैं लिखूं वन, ये सीक्वेंस 1,1,1,1, ये सीक्वेंस भी किसी भी रियल नंबर को कन्वर्ट कर सकती है। दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एवरी रियल नंबर इन आर विद इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ओके, तो आपने ये देखा, एक सीक्वेंस एक टोपोलॉजी में कन्वर्ज करती है किसी एक यूनिक नंबर को। आपके पास ऐसी भी टोपोलॉजी थी, ये सीक्वेंस कहीं भी कन्वर्ज नहीं कर रही है। आपके पास फिर से एक ऐसी टोपोलॉजी आई, ये सीक्वेंस हर एक पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है। तो इसका मतलब आपने देखा कि जो लिमिट है, जो भी कन्वर्जेंस है, वो या तो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। और आप यूनिकनेस की भी बात नहीं कर सकते यहाँ पर, कि लिमिट यूनिक होगा या नहीं होगा। लेकिन आपने ये चीजें पढ़ी हैं अपने रियल एनालिसिस में, कि आप पढ़े थे अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती। मैं रियल एनालिसिस में जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिए, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रियल एनालिसिस में जा रहा हूँ। वहां पर आपने पढ़ा था अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो उसका लिमिट यूनिक होगा, ऐसा पढ़ा था। यस सर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। आपने टोपोलॉजिकल स्पेस में देखा कि कुछ कोई एक सीक्वेंस है जिसका जो कन्वर्ज करती है और लिमिट यूनिक हो रहा है, जो कि किस केस में आ रहा था? दो केसेस में, आपने यूजुअल टोपोलॉजी में और उसके बाद लोअर लिमिट टोपोलॉजी में, ऐसा आ रहा था। फिर आपने देखा डिस्क्रीट टोपोलॉजी, जहां पर वो कन्वर्ज ही नहीं कर रही है, ठीक है। और इनफैक्ट आपने देखा कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में जो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी वो इवेंचुअली कॉन्स्टेंट सीक्वेंस होगी। फिर आप आए इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी में, आपने इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी में देखा कि यहाँ तो भैया सारी सीक्वेंस हर एक पॉइंट को कन्वर्ज कर, आप कोई भी इवन कांस्टेंट सीक्वेंस भी हर एक पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, लिमिट यूनिक है ही नहीं, क्या? तो अब आपका इंटरेस्ट जगता है किस क्वेश्चन की ओर, कि वो कौन सी टोपोलॉजी है जहां पर सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करती है तो उसका लिमिट यूनिक होना चाहिए, है ना? तो ये क्वेश्चन आता है कि यूनिक कब होगा। ओके, तो मैंने आपको आपके नोट्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। मैं यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल को बहुत सारी टोपोलॉजी के ऊपर काम किया मैंने, आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। आप देखिए उनको, पढ़िए और सोचिए कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी में ये सिचुएशन क्यों हो रही है। कौन सी सिचुएशन? कि आप कोई भी सीक्वेंस उठा रही हैं, उठा रहे हैं, वो किसी भी पॉइंट को, मींस रियल नंबर के हर एक पॉइंट को कन्वर्ट कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण है, ये एक एक्सट्रीम सेटिंग है। ओके, यहाँ पर हमारे पास केवल एक ही तरह का नॉन एम्प्टी ओपन सेट है जो कि आर है। ओके, तो इसका मतलब आप किन्हीं दो पॉइंट को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ओपन सेट की मदद से। ओके,
मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास दो अलग अलग पॉइंट हैं, लेकिन ओपन सेट आपके पास एक ही है, आप इन दोनों को ओपन सेट से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो ऐसे टोपोलॉजी जहां पर आप दो पॉइंट्स को दो डिज्वाइंट ओपन सेट से डिस्टिंग्विश कर सके, हम ऐसी टोपोलॉजी पहले चाहते हैं। ओके, इस टोपोलॉजी का नाम है हाउसड्रॉप स्पेस। ऐसे टोपोलॉजिकल स्पेस को हम कहते हैं हाउसड्रॉप स्पेस। ओके, तो अभी हमें क्या क्या चाहिए? नंबर एक, इस वाले केस में, इनडिस्क्रीट वाले केस में, ये जो वन पॉइंट सेट्स हैं ये क्लोज नहीं होते, सिंगलटन सेट। आप याद करिए, रियल एनालिसिस में जाइए, आप अपना रियल एनालिसिस का कोर्स देखिए, वहां पर आप पाएंगे कि सारे सिंगलटन क्या थे? क्लोज सेट थे। क्यों? क्योंकि उनका क्लोजर एम्प्टी सेट होता, सॉरी, उनका क्लोजर वो खुद होता था, उनका लिमिट पॉइंट जीरो होता था, सॉरी जीरो कह रहा हूँ, उनका लिमिट पॉइंट एम्प्टी सेट होता था। ओके, उनका लिमिट पॉइंट कुछ भी नहीं है, तो वो खुद का क्लोजर है। ओके, सिंगलटन सेट, सो देयरफॉर दोज सिंगलटन्स वर क्लोज इन योर रियल एनालिसिस कोर्स। अब लेकिन यहाँ पर जब रियल नंबर्स में आप इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी देते हैं, तो यू फाइंड दैट दीज सिंगलटन पॉइंट्स आर नॉट क्लोज। ओके, सो अब हम एक ऐसी टोपोलॉजी चाहते हैं जहाँ पर सिंगलटन्स क्लोज हो, जहाँ पर जो सीक्वेंस है अगर वो कन्वर्ज करती है तो उसका लिमिट यूनिक हो। कर तो फॉर दिस वी डिफाइन हाउसडॉर्फ स्पेस। ये नाम सुना आपने? मीट्रिक स्पेस में ये नाम सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि एवरी मीट्रिक स्पेस इज ए हाउसडॉर्फ स्पेस, पढ़ा है ये? कौन सा? नहीं पढ़ा? नो सर, नो सर, अच्छा, अपना सिलेबस फिर से देखिए, हो सकता भूल गए हो, ये पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है ये तो होगा क्योंकि ये बहुत बेसिक है। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको फिर से रिकॉल करते हैं। अब आपको डेफिनेशन बहुत इजी है, जो मैं डेफिनेशन, हम जिस चीज की हमें आवश्यकता है, जो चीज मैंने आपको बताई वही इसकी डेफिनेशन। मैंने बताया कि किन्हीं दो पॉइंट को हम ओपन सेट से डिस्टिंग्विश कर सके, मीन्स हर हर कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लें तो हमें डिज्वाइंट ओपन सेट्स मिलने चाहिए। ठीक, उनको कंटेन करने वाला। लेट अस गिव द डेफिनेशन ऑफ हाउसडॉर्फ स्पेस। अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज कॉल्ड हाउसडॉर्फ स्पेस और डॉर्फ स्पेस इफ फॉर ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स, ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स से एक्स वन एंड एक्स टू ऑफ एक्स, कैपिटल एक्स, सो हियर एक्स वन इज नॉट इक्वल टू एक्स, सो दीज आर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देयर एग्जिस्ट नेबरहुड यू कंटेनिंग एक्स वन एंड वी कंटेनिंग एक्स टू, यहां पर लिख देते हैं ओपन सेट्स। ओके, ओपन सेट कहते हैं, या फिर हम नेबरहुड ऑफ एक्स वन और नेबरहुड ऑफ एक्स टू बोलते हैं। देयर एग्जिस्ट ओपन सेट कंटेनिंग एक्स वन एंड कंटेनिंग एक्स टू सच दैट यू इंटरसेक्शन वी इज एम्प्टी। तो दिस इज कॉल्ड हाउसडॉर्फ स्पेस। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपसे क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने आर में बहुत सारी टोपोलॉजी दी, तो जो भी टोपोलॉजी आज हमने देखी है उसमें आर विद यूजुअल टोपोलॉजी विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी डिस्क्रीट टोपोलॉजी
और लास्ट में ट्रिवियल और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इनमें से कौन सी टोपोलॉजी, कौन सा टोपोलॉजी स्पेस हाउस ड्रॉप होगा? सर डिस्क्रीट टोपोलॉजी। क्या यू डिस्क्रीट टोपोलॉजी हाउस ड्रॉप होगा? क्यों? तो सर क्योंकि आपने इसमें बोला डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज हाउस ड्रॉप, क्यों? सर जब आप इसको खिला रहे थे उसमें हमने देखा सर या तो इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही थी या तो फिर कांस्टेंट, और ये जो सर सीक्वेंस होती है वो सर नहीं, मैंने वही ऐसे ऐसे सुनिए 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 सुनिए, पहले डेफिनेशन के हिसाब से चलते ना। हमने डेफिनेशन क्या बोला वो बाद में देखेंगे, अभी हमने उस बारे में तो बात ही नहीं की ना। अभी तो मैंने कोई उसका ऐसे कोई रिजल्ट दिया नहीं कि आप, मैंने केवल अभी एक डेफिनेशन आपको दी हाउस ड्रॉप स्पेस की। क्या ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करती है ये ये सर सर टोपोलॉजी? क्योंकि वो ऑल पॉसिबल जो है ओपन सेट कंटेन करता है और उसके हाँ सारे ओपन सेट जो है जिसकी तो ओपन भी होते हैं क्लोज भी होते हैं सर। यहाँ अच्छा, डिफिनेशन के तो हिसाब से सर ठीक ऑल है, ओपन सेट को कंटेन करता है तो इसलिए हम उसको बोल सकते। एक मिनट रुकिए, पहले पहले ध्यान से पहले डेफिनेशन पढ़िए। डेफिनेशन की मांग क्या है सर बताइए? डेफिनेशन कहता है कि आप कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट उठाइए, कह रहा नहीं कह रहा है, उसमें आपको दो ओपन सेट मिलेंगे, जो एक ओपन सेट एक्स को कंटेन करेगा, एक ओपन सेट दूसरे पॉइंट को कंटेन करेगा, और दोनों ओपन सेट डिसजॉइंट होंगे, मींस उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट होगा, ऐसा कह रहा है। तो आप डिस्क्रीट टोपोलॉजी में दो पॉइंट उठाइए, तो से आर वन एंड आर टू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन आर, ओके, आर वन कॉमा आर टू बिलोंग्स टू आर। अब आप मुझे दो ओपन सेट दीजिए डिस्क्रीट टोपोलॉजी में, कैसे, जो सर कि सिंगलटन, डिसजॉइंट हो, सर ओके, सिंगलटन आर आर वन वन, और सिंगलटन आर टू। क्लियरली दीज टू आर डिसजॉइंट, ओके, और आर वन वाला पॉइंट इसमें है, दिस बिलोंग्स टू हियर, दिस बिलोंग्स टू हियर। तो आपने हमें दिखा दिया कि भाई डिस्क्रीट टोपोलॉजी तो हाउस ड्रॉप है, यूजुअल टोपोलॉजी हाउस ड्रॉप है या नहीं है? ओके, तो लेट अस सी दिस। यूजुअल टोपोलॉजी होता है जहां पर उसका जो बेस है, यूजुअल टोपोलॉजी का बेस वो क्या होता है, ओपन इंटरवल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको नेबरहुड जब मैं कह रहा हूं तो ओपन इंटरवल्स चाहिए। अच्छा देखते हैं, आपने दो पॉइंट लिए आर वन नॉट इक्वल टू आर टू, ओके, वेयर आर वन कॉमा आर टू बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब आपके पास दो रियल नंबर हैं देन यू हैव द ट्राइकोटोमी लॉ। कोई जानता है ट्राइकोटोमी लॉ क्या होता है? हेलो, ट्राइकोटोमी लॉ होता है कि आपके पास दो रियल नंबर दिए हैं तो या तो ये होगा, अच्छा मैं आर को कुछ और लिख रहा हूँ ना, आर को मैं कुछ और तरीके से लिख रहा हूँ, आर वन लेस देन आर टू इधर दिस और आर वन ग्रेटर देन, इसको ट्राइकोटोमी लॉ। इनमें से कोई एक ही होगा, दो नहीं हो सकते कि हमने यहाँ पर बोला कि ये वाला पार्ट तो नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा, तो कोई भी एक ले लीजिए, हमें क्या है, एक कोई ले लेते हैं। तो हम बोलते हैं कि R1 less than R2, दिस इंप्लाइज R2 माइनस R1 इज पॉजिटिव, क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। अच्छा, तो ये R1 था, ये R2 था। अब मैं इसको बहुत अपने फायदे के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये बहुत पास हो सकते हैं, यहाँ पर भी हो सकता है, मैं ये रेड कलर का बनाऊँ तो यहाँ पर भी हो सकता है, ये बहुत पास, ठीक है। इसको जब मैं लार्ज करूँगा दोनों के बीच में डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। तो R1 माइनस R2 इज पॉजिटिव, तो दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। व्हाट यू डू
आपके पास ये डिस्टेंस आर आर टू माइनस आर वन है, आप इसका हाफ कर दीजिए, तो इसका वन थर्ड कर दीजिए, तो इसका नाम आप दे दीजिए आर टू माइनस आर वन को हम बोल देते हैं से एप्सिलन, जो भी नंबर आए उसको हम एक नाम दे देते हैं, कॉल इट एप्सिलन। नाउ यू मेक टू ओपन सेट्स आर वन माइनस एप्सिलन बाई थ्री कॉमा आर वन प्लस एप्सिलन बाई थ्री, ये एक ये यू है। नाउ डिफाइन वी विच इज आर टू माइनस एप्सिलन बाई थ्री आर टू प्लस एप्सिलन बाई थ्री। ओके क्लियरली इफ एप्सिलन इज पॉजिटिव देन एप्सिलन बाई थ्री इज पॉजिटिव। ओके यू नो दिस। नाउ दिस यू बिलोंग, so u contains r, r1 is contained in u, r2 is contained in v, okay, but and u intersection v is empty। अभी इसको देखते हैं कैसे ये ऐसा हो रहा है। आपको लग रहा होगा झूठ बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है, ये r1 है ये r2 है, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लेते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। इसका तीन पार्ट कर लेते, मैंने बाई थ्री लिखा है, अच्छा यहाँ थ्री कर देता हूँ, ठीक है। बाई आप टू भी कर सकते हैं, टू से काम चल जाएगा, अगर थ्री से, थ्री से तो काम चल ही जाएगा, टू से भी काम चल जाएगा। तो टू यहाँ पर आया, इसका थ्री पार्ट मतलब ये वाला पार्ट आया, एक पार्ट एप्सिलॉन बाई थ्री देन एप्सिलॉन बाई थ्री देन एप्सिलॉन बाई थ्री, तो ये तीन एप्सिलॉन बाई थ्री आ गए। आर वन माइनस एप्सिलॉन बाई थ्री आर वन माइनस एप्सिलॉन बाई थ्री प्लस एप्सिलॉन बाई थ्री, ये इंटरवल आया। आर टू माइनस एप्सिलॉन बाई थ्री आर टू प्लस एप्सिलॉन बाई थ्री, ये इंटरवल आया। तो आप बताइए कि क्या ये डिसजॉइंट है या नहीं। यस सर, यस है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि आर विद यूजुअल टोपोलॉजी ए हाउस ड्रॉप स्पेस, R with the usual topology is a Hausdorff space, okay? अच्छा, अब R with lower limit topology, R with lower limit topology Hausdorff होगा या नहीं होगा? वो भी होगा, उसका अगर आपको पुराने रिजल्ट याद होते तो आप वो बहुत इजीली बता पाते कि आर विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी जो है वो हाउसडॉर्फ इससे होगा, क्योंकि ये टोपोलॉजी स्ट्रॉन्गर है यूजुअल टोपोलॉजी से। ओके दिस टोपोलॉजी इज स्ट्रॉन्गर देन दिस टोपोलॉजी। तो जो ओपन सेट्स यहाँ पर हैं ये ओपन सेट इधर भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली निकाल पाएंगे, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं कैसे हम करेंगे। इस केस में वही आपने किया, आर वन आर टू दो पॉइंट लिए, ओके, इनके बीच की डिस्टेंस आपने बोला कि एप्सिलॉन है, उसको आपने एप्सिलॉन बाई टू कर दिया, नहीं एप्सिलॉन बाई थ्री करते हैं, थ्री में ज़्यादा अच्छा लगता है और छोटा हो जाता है वो, आप फोर भी कर सकते हैं, ओके। अब आप एक इंटरवल बनाइए जो R1 को कंटेन करेगा वो ये वाला इंटरवल ले लीजिए, और जो R2 को कंटेन करेगा वो, अच्छा इसमें तो बड़ा इजीली आ जाएगा, इसमें तो टू भी कर सकते हैं आप, ये तो और बहुत इजी है। मीन्स ये एक इंटरवल लिया R1 कॉमा यहाँ पर R2 माइनस R1 बाई टू, दिस इज यू, वी इज R2 कॉमा से कुछ भी ले लीजिए R2 प्लस सम एप्सिलॉन, ये दोनों इंटरवल जो है वी यू और वी ये एम्प्टी, इनका इंटरसेक्शन पहला वाला R1 को कंटेन करता है दूसरा वाला R2 को कंटेन करता है। तो क्लियरली दिस टू आर डिसजॉइंट एंड हेंस R विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी इज हाउसड्रॉप, R विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी इज हाउसडॉर्फ। ओके अब देखते हैं आर विद दिस
इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। क्या यहाँ पर ये हाउसड्रॉप होगा? नो सर। आर विद है बताइए। इसलिए सही आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आर वन और आर टू दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं, इनको कंटेन करने वाला एक ही ओपन सेट है जो कि आर है। ओके ठीक है। इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी में, इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी में आर को कंटेन करने वाला, ये दोनों रियल नंबर को कंटेन करने वाला ओपन सेट एक ही है भैया, उसका इंटरसेक्शन वो खुद होगा, तो ये तो टोपोलॉजी जो है हाउसड्रॉप नहीं है। दिस इज नॉट ए हाउसड्रॉप टोपोलॉजी। इसके बाद बात करते हैं आर विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट क्या ये टोपोलॉजी, क्या कोफाइनाइट टोपोलॉजी जो है वो क्या कहते हैं कि हाउसड्रॉप होगी? बताइए क्या लगता है? अच्छा ये बताइए कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी में जो ओपन सेट्स होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं? प्रिया सर, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स के फॉर्म, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स के फॉर्म में कितने ओपन इंटरवल होने चाहिए यूनियन? तो हम सिंपली ऐसा कह देते हैं ओपन सेट इन टाउ, ओपन सेट इन आर विद टाउ, आर विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी, आर ऑफ दिस फॉर्म आर माइनस ए वन ए टू ए एन, इसी फॉर्म का होता है? यस सर। यस सर यही होता है ना। ठीक है, आप मुझे कोई दो रियल नंबर दो आर वन आर टू, ठीक है, डिस्टिंक्ट रियल नंबर दिए, इनको कंटेन करने वाला ओपन सेट इस फॉर्म का होगा। आर वन को कंटेन करने वाला आर टू, यहाँ पर आर वन है, आर टू को कंटेन करने वाला से आर माइनस बी वन बी टू बी एम हो गया मान लो, बस ऐसे ही फॉर्म कहोगे। अब आपको बताना है ये इसको मैं यू बोलता हूँ, इसको वी बोलता हूँ, व्हाट इज यू इंटरसेक्शन वी? इज दिस फाइनाइट, इज दिस एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट? नॉन एम्प्टी हमेशा नॉन एम्प्टी होगा ना। आप कोई भी ओपन सेट आर वन को कंटेन करने वाला ले लीजिए, कोई भी आर टू को कंटेन करने वाला ओपन सेट ले लीजिए, आपको इंटरसेक्शन हमेशा नॉन एम्प्टी मिलेगा। दिस मीन्स आर विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज नॉट हाउसड्रॉप। ठीक है, व्हाट अबाउट कोकाउंटेबल टोपोलॉजी? अब ऐसे ही आपको पता करना, व्हाट अबाउट कोकाउंटेबल टोपोलॉजी? ओके, ये मैंने नोट्स में नहीं लिखा है ये सब, ये आपको खुद से देखना है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए छोड़े हैं। अब बात आती है दो रिजल्ट की जिसकी हम बात कर रहे थे, जो हमें चाहिए था, बोलिए। एवरी finite set in a Hausdorff space is closed। okay, ये हमें चाहिए। इसको कैसे प्रूव करोगे? इसको प्रूव करना इजी है। आप क्या करें, हमें फाइनाइट की जगह हम केवल सिंगल टर्म, क्योंकि फाइनाइट इस फॉर्म का होगा,
और आप जानते हैं इसको मैं लिख सकता हूं ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए एन, सो दिस इज फाइनाइट यूनियन ऑफ सिंगलटन. यू नो फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज. अगर आप ये प्रूव करो कि सिंगलटन्स आर क्लोज देन यू आर डन. सो इट इज इनफ टू शो दैट each singleton is closed. Okay, but ये show करना easy है. क्यों? क्योंकि आपको क्या show करना है, अगर singleton closed है तो आपने एक point लिया x naught, okay, x naught in x, आपको show करना है closure of x naught is x naught itself. Okay, so this is easy to show. अभी आप जानते हैं एक्स नॉट क्लोजर इज एक्स नॉट यूनियन इट्स डिराइव्ड सेट दैट मीन सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स. सो अब आप देखिए कि क्या कोई और पॉइंट एक्स नॉट के अलावा इसका लिमिट पॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता. सो यू चूज अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम एक्स नॉट. ओके, चूज अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम एक्स नॉट से एक्स. And your claim is this x not a limit point of x not, this set x not. Okay, अभी दो चीजें चल रही, ये point x not है और ये set x not है. तो जब मैं set x not कहूंगा तो इसका मतलब ये है, जब मैं point x not कहूंगा तो इसका मतलब ऐसा है. ठीक है, ये ध्यान देना आप. Okay, so since these two points are distinct and we are in a Hausdorff space, by definition there exist open sets containing x and containing x naught. So this means there exists u containing x, v containing x naught, such that u intersection v is empty set. Okay, ab ek baat bataiye, agar x iska limit point hota, अगर x इस सिंगलटन सेट का लिमिट पॉइंट होता तो x का हर एक नेबरहुड इस सेट से इंटरसेक्ट करता, लेकिन ये इससे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. तो आप देख रहे हैं ये एक ओपन सेट है जो x को कंटेन करता है. अगर x लिमिट पॉइंट होता ये u पक्का इस x नॉट से इंटरसेक्ट करता, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि भैया ये एक्स नॉट तो छोड़िए, उसको कंटेन करने वाला एक ओपन सेट उससे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है. तो इसका मतलब एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट एक्स नॉट. ओके, सो दिस मीन कोई इसका मतलब यहां पर एक्स नॉट के अलावा और कुछ नहीं आएगा. दिस इंप्लाइज एक्स नॉट बार x not, and this is the definition, not the definition but a result for closed set, if and only if result. So if this is true then x not is closed. Okay, aap jante hain a is closed if and only if a bar equal to a. Next result jo ki bahut hi jaldi result hai, wo kya kehta hai, wo kehta hai let x tau be a Hausdorff space, then every sequence in X converges to at most, यहां पर at most लिखा है, ध्यान देना, at most one point. ठीक है, या तो वो किसी भी point को converge नहीं करेगा या वो converge करेगा तो वो point unique होगा. ये आपने पढ़ा है कहाँ पर, रियल एनालिसिस में, कि अगर कन्वर्ज करता है तो उसका लिमिट यूनिक होगा. तो यहाँ पर हम उसे कह रहे हैं कि अगर वो कन्वर्ज करेगा या तो नहीं करेगा या वो एक ही पॉइंट को कन्वर्ज करेगा. सो दिस इज वेरी इजी, दिस इज सिंपली बाय डेफिनेशन. अगर एक्स कन्वर्ज करता है, ओके, सपोज वी हैव अ सीक्वेंस इन एक्स एंड एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, तो यू हैव टू so that xn does not converge to y for
all y not equal to x. And this is very easy because we are in Hausdorff space. X के पास एक नेबरहुड u मिलेगा, y के पास एक नेबरहुड v मिलेगा, because दोनों इक्वल नहीं है, such that u intersection v is empty set, okay? क्योंकि x and x को कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो u है, वो एक समय के बाद इसकी टेल को पूरा का पूरा खा जाएगा, means x and सारे के सारे u में होंगे, तो वो v में तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो intersection empty है, okay? So this is the way how we will show that this sequence is converged to at most one point. Okay. So question is, does the converse hold? Does the converse hold? इसका मतलब question है कि क्या अगर कोई sequence है उसके पास at most one limit है, क्या स्पेस हाउसडॉर्फ होगा? तो थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस इन द ग्रुप. एनी क्वेश्चन? हेलो, देयर इज नो leave the meeting, means I will end this meeting. Sir, okay, then your voice bye. बहुत break हो रही. मैं पूछ रहा हूँ, कोई question है आपका? Yes sir, आपने exercise में दिया था कि union of dense set union होगा या नहीं, और हाँ. intersection of two dense set dense होगा या नहीं. क्या है बताइए सर? आई थिंक सर यूनियन डेंस सेट होगा, क्योंकि सर अगर हम लेते हैं a1 a2 an, ये सर डेंस सेट है, तो उनका क्लोजर लेंगे तो सर यूनियन पर क्लोजर सर इक्वली ओपन होता है, और सर ये हमें गिवन ही है कि ओपन होता है, मतलब सॉरी 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 सर ये सर इक्वल्स टू ए ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर, ये होगा तो सर सर ए क्लोजर सर ए होगा क्योंकि डेंस सेट है, सॉरी हाँ एक्स होगा, और ये भी तो ये एक्स हो जाएगा, तो ठीक है सर, आंसर ठीक है. और सर वो जो क्लोजर सर ये नीड नॉट भी होगा, क्योंकि सर यहाँ पर जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो सर कंटेनमेंट से खुलता है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का जो क्लोजर होगा वो कंटेन करेगा. कोई एग्जांपल दे सकते हैं सर? एग्जांपल नहीं, लेकिन सर इसके थ्रू बता सकते हैं. यस सर, ठीक है. और यस सर, और यदि अगर क्यू और आई ले लें तो उनका भी इंटरसेक्शन पाई आएगा, वो भी डेंस सेट नहीं होगा. आई आई क्या होता है सर? सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स. तो वही तो लिखा है मैंने, दूसरा सेट ऑल इरेशनल ही तो है. रियल नंबर से रेशनल हटा दो तो क्या होगा? यस सर. सर अगर ओपन इन क्लोज इंटरवल ले ले सर ए कॉमा बी, और इसका इंटरसेक्शन ले आर माइनस ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, लेकिन तो भी सर ये पाया तो, ये तो डेंस नहीं होता ना, नॉट डेंस इन आर. यस सर, नहीं होगा. डेंस का मतलब वो पूरा का पूरा आर आना चाहिए, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है. यस सर, यस डेफिनेशन ध्यान देनी है, ठीक है? ओके सर. चलिए, और कुछ? नो सर. ओके देन,